हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीएसईबी की सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखेंगे। उसके लिए पहले कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम, ओपेरा, उस पर क्लिक करें। मेरे पास क्रोम है, मैं क्रोम पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक वेबसाइट है, एक्चुअली उसका नाम है student.pscb.ac.in। मैंने यहाँ पहले से टाइप की हुई है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ सामने पहले पेज पे यहाँ लिखा आ रहा है स्टूडेंट होम पेज, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये इनकी मेन वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है और सेकंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ये पहले डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिख के आता था, अब सेकंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट लिख के आने लग गया है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर क्रिएट न्यू, यस। अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे पूरी बेसिक डिटेल्स जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी कोई भी, रोल नंबर जो एग्जैक्टली उस एग्ज़ाम में था, 10th के 5th, 5th के या 12th के जो भी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई की थी आपने, नेम, क्लास नेम कौन सा था, 10th, 5th, 8th, 12th कुछ भी हो सकता है। ईयर ऑफ द एग्जामेशन, किस साल में आपने वो पढ़ाई की, मंथ ऑफ द एग्जामेशन। तो एग्जामेशन एक्चुअली तो मार्च अप्रैल में ही होते हैं, तो आप मार्च भर देना, कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पे वो आपका पोस्ट आएगा सर्टिफिकेट एक्चुअली। उसके बाद एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। मैंने तो अपने टाइम में आधार कार्ड ही किया था, आधार कार्ड देकर देना। आधार कार्ड की कोई भी फाइल, JPG, PDF अपलोड करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट बना के एक्जैक्टली अच्छे से डॉक्यूमेंट बना देना, कि रिजेक्ट ना हो। उसके बाद उसका आधार कार्ड नंबर, अटैचमेंट नंबर वही होता है जो आधार नंबर एक्जैक्टली जो 12 नंबर के होते हैं वो आपने भरने हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करते ही एक सामने एक पेज ओपन होगा, उस पेज ओपन पे लिखा होगा कि पेमेंट करो 800 रुपये की। तो आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, UPI, Paytm, फ़ोनपे, गूगल पे, या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। आई थिंक मैं कहता हूँ डेबिट कार्ड से करना, डेबिट कार्ड से ईजी होता है करना। UPI से भी कर सकते हो, UPI भी ईजी है, उसे कर दो। सामने आपका आएगा थैंक यू फॉर ऑर्डर। वो ऑर्डर जिस दिन आप दोगे एग्जैक्टली उसी दिन प्रिंट हो जाता है वो PSEB मोहाली में, बट वो आता 2-3 या 3 दिन में आता है, 3 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा। जिस दिन बुक करोगे, एग्जैक्ट मान लो आपने 1 तारीख को बुक किया, तो आपका 3 या 4 तारीख को घर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब फास्ट हो गया PSEB। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।